हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। सो अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए और ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि मैंने ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स के पहले ये वीडियो नहीं बनाया। सो लेट अस टॉक अबाउट सम थिंग्स दैट यू मस्ट कीप इन योर माइंड बिफोर यू गो टू एग्जाम्स। एग्जाम्स में जाने के पहले आपको क्या प्रिपरेशन करना चाहिए और कैसे आपको एग्जाम टैकल करना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तक जो आपने एग्ज़ाम दिए थे कि लास्ट जो आपने प्रीलिम एग्ज़ाम दिया था, ये सब एग्ज़ाम्स आपके स्कूल में हुए थे। कोई कोई पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज या कोई ऑर्गेनाइजेशंस कुछ एग्ज़ाम्स ऑर्गेनाइज करते हैं एग्ज़ाम के बोर्ड एग्ज़ाम के पहले, जिससे आपको एक फील आता है एग्ज़ाम का। लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऐसे एग्ज़ाम्स नहीं दिए होंगे। मतलब उसका मतलब क्या है कि सब लोगों ने अपने स्कूल्स में ही एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपको किसी और स्कूल में जाना पड़ेगा, कोई और टीचर्स होंगे, बच्चे अलग अलग होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके आसपास नहीं होंगे। ये सब फैक्टर्स अलग अलग आपके स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपके स्कूल में आप एग्ज़ाम देते हो तो आपको स्कूल के बारे में पता होता है, कंफर्टेबल होते हो आप वहाँ, लेकिन आप कहीं नए स्कूल में जाओगे तो आपको नए एक्सपीरियंसेस होता है। तो ये सब के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 10th का जो ये बोर्ड एग्ज़ाम है, जस्ट आपके नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम की तरह है। जो अब जब तक जो भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं अब तक, सिंपल वैसे ही एग्ज़ाम की तरह है। सिर्फ इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके पेपर्स कोई और चेक करता है, इसके मार्क्स आपके 11th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम के ऊपर, इसके मार्क्स से आपको 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलेगा, ये सब फैक्टर्स है। लेकिन ये नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही इसे ट्रीट करो। ज़्यादा ओवर स्ट्रेस होने का या ज़्यादा प्रेशराइज होने का ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल एग्ज़ाम की तरह ही है। ऐसे अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो आप जैसे स्कूल में एग्ज़ाम देते हो वैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम दोगे। सो सिंपल याद रखो कि ये नॉर्मल स्कूल एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम के मार्क्स के ऊपर ही आपको 11th में एडमिशन मिलेगा। बाकी कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ आपको 11th में एडमिशन मिलने के लिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए 10th के मार्क्स का इंपॉर्टेंस होगा बस। और अच्छा स्ट्रीम, अगर आपको कोई स्ट्रीम चाहिए और उसमें अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको आपको 10th के में अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, बस इतना ही उसका इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपका एग्ज़ाम अभी सेंटर कहीं दूर है आपके घर से, तो सबसे पहले आप अगर नहीं जा सकते हो तो कोई तो आपके घर का, आपका भाई या आपके पेरेंट्स, आप जाके एक बार जो एग्ज़ाम सेंटर है वो जाके विज़िट करो। अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर दूर है तो पहले आप जाके चेक करो कि आपको वहाँ पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है। आप बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, जैसे भी आप जा सकते हो, पहले आपको रूट पता होना चाहिए कैसे जाना है, कितना टाइम लगेगा, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जाके एक बार जो चेक करना है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है। अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप प्लीज़ जाके कर लो एग्ज़ाम के पहले। अगर आप नहीं जा सकते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी और को भेज दो, चेक कर लो कि कैसे बेस्ट रूट क्या है वहाँ जाने के लिए, वो पूरा प्लान होना चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम के दिन आप जाओगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, लेट पहुँच सकते हो। दूसरा, अगर आप जा रहे हो एग्ज़ाम के पहले, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो कुछ प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्कूल में जाते हैं हम तो पेन नहीं लेके जाते कभी कभी, कोई कोई लोग होते हैं तो बोरो करते हैं, या फिर पेंसिल नहीं लेके जाते, स्केल नहीं लेके जाते, इरेजर, जो भी आपको जो भी ज़रूरत है आपकी, वो आपको सब आपके पास होना चाहिए खुद का। किसी और से आप बोरो मत करो, खुद का खरीद लो। अगर नहीं खरीद सकते हो तो किसी भाई का, बहन का, जो भी कलेक्ट करके, आपके पास आपका खुद का होना चाहिए। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो पेन के लिए, पेंसिल के लिए, जो भी चीज़ है आपका खुद का खरीद लो। और ये सब चीज़ आपके पास एक जगह होना चाहिए और आपके बैग में हमेशा वो रहना चाहिए। हॉल टिकट भी है, केयरफुली हॉल टिकट रखो, एक दो जेरोक्स कॉपीज भी रख लो, एक जेरोक्स कॉपी आपके बैग में ही रख लो, ताकि अगर आप भूल गए कहीं हॉल टिकट तो आपके बैग में तो कॉपी मिल जाएगा। तो हॉल टिकट भी केयरफुली रखो, ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप कैसे पैनिक हो जाओगे लास्ट मोमेंट में, अगर आपको हॉल टिकट नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास पेन नहीं है, किसी से आप मांग नहीं सकते हो। सपोज़ आपके जो आपको क्लास मिलेगा उसमें कोई भी आपका फ्रेंड नहीं है, तो आप पेन या पेंसिल मांगने के लिए हेजिटेट करोगे तो प्रॉब्लम में आ सकते हो, आपको टेंशन होगा बाद में। तो ये सब अपना चीज़, अपना खुद का चीज़ आपके पास होना चाहिए। दूसरा बात है कि अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो 30 मिनट्स पहले तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचना ही है। क्योंकि क्या होता है, वहाँ बहुत सारे बच्चों का नंबर आता है, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के बाहर लिस्ट लगाते हैं जिसमें आपको समझेगा कि आपका कौन से क्लास में आपका नंबर आया हुआ है, ये कौन से फ्लोर पे आया हुआ है, तो ये देखने के लिए टाइम लगता है क्योंकि भीड़ होता है वहाँ। सो आपको 30 मिनट्स पहले पहुँचना ही है वहाँ। अगर 11 o'clock का एग्ज़ाम है, 11 बजे का एग्ज़ाम है, तो 10:30 को वहाँ पहुँचना ही है आपको। उसके बाद आपका नंबर चेक कर लो कि आपका नंबर कौन से क्लास में, कौन से फ्लोर पे, आप लिख के रख लो ताकि आपको जाने में आसानी हो। और जाके आप सीट में बैठ जाओगे, रिलैक्स होगे, 15 मिनट पहले अगर पहुँचोगे, रिलैक्स होगे, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 30 मिनट्स पहले पहुँचना है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आपको रूट पता होना चाहिए कि कैसे जाना है, ट्रेन या इजी है, बस इजी है, या कैसे जा सकते हो आप, ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एग्ज़ाम के टाइम बहुत प्रेशर होता है, तो हम रात रात भर पढ़ते हैं,
उसके बाद क्या होता है कि उसका प्रॉब्लम होता है कि आप एग्ज़ाम लिखने के टाइम जब भी आप पेपर लिखते हो तभी आपको प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि आपने रात में पढ़ा है तो आपके पास वो एनर्जी नहीं होती है। तो आप एग्ज़ाम जब भी लिखते हो, पेपर लिखते हो, या कि जैसे बहुत सारे पेपर्स आपको दोपहर में होते हैं, किसी किसी को दोपहर में सोने की आदत होती है, तो अगर आपने रात में नहीं सोया तो आपको दोपहर में नींद आ सकती है। तो कम से कम 6 आवर्स तो सोना चाहिए आपको एग्ज़ाम के एक रात पहले, जो भी है आपको 6 आवर्स तो सोना चाहिए कम से कम। और खाना भी आप खा के जाओ, जैसे नाश्ता करके जाओ, एग्ज़ाम 11 बजे होता है तो आप कुछ ना कुछ नाश्ता करके जाओ, भूखे पेट मत जाओ, ओवर भी मत करो, नाश्ता करके जाओ या आप जो भी खा सकते हो खा के जाओ, बिना खाए मत जाओ। आपके पास वाटर बॉटल आपका खुद का होना चाहिए, किसी किसी एग्ज़ाम सेंटर्स में पानी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आपको प्यास लगा है तो आपको खुद का बॉटल होना चाहिए, वाटर बॉटल होना चाहिए। दूसरा है, एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले जो भी आपको करना है, टॉयलेट करना है, जो भी करना है पहले से कर लो। किसी किसी स्कूल में एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद जाने नहीं देते टॉयलेट, सब जाने नहीं देते, तो आपको 3 घंटा लगातार बैठना है, तो ये आप माइंड में रखो। इसलिए सब जो भी चीज़ करना है ये सब पहले से कर लो, इसलिए मैंने बोला 30 मिनट्स पहले वहाँ पहुँचो। उसके बाद जब भी आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। पहली बार बहुत सारे लोगों ने ये बहुत सारे लोग पहली बार ही एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें नॉर्मल जो आपके स्कूल के आंसर पेपर्स होते हैं उससे अलग होता है पेपर। उसमें आपको बहुत सारे कॉलम्स फिल करने होते हैं, बहुत सारे जगह पे एंट्री करना होता है, डेटा एंट्री करना होता है, आपका सीट नंबर एंटर करना होता है, नाम एंटर करना होता है, साइन करना होता है, अलग अलग स्टिकर्स लगाने होते हैं। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस सब देते हैं, सब आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको कुछ कहाँ पेस्ट करना है, कैसे लिखना है, सब ये सब आप केयरफुली सुनो और ध्यान से लिखो। प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आपने गलत लिख दिया तो वापस आप टेंशन में आ जाओगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब ध्यान से लिखो, सुन लो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो वहाँ होंगे सुपरवाइजर्स उनसे पूछ लो, पूछने में कुछ हेजिटेशन मत करो। आपको स्कूल में आपके पहचान के टीचर्स होते हैं, लेकिन वहाँ जाओगे तो कोई और होगा, तो बहुत सारे बच्चे हेजिटेट करते हैं, या आपके बाजू में वाला क्या लिख रहा है, आपके आगे वाला क्या लिख रहा है, ऐसा फॉलो मत करो। आप खुद जाके उनको पूछो या उनको अपने जगह बुलाओ, डाउट है मुझे बोलो, और वहाँ जाके उनसे पूरा पूछ लो, क्लियर कर लो, और वैसे आपका पेपर्स फिल कर लो। देखो पहला और दूसरा पेपर में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको समझ जाएगा खुद को कि हाँ आपको क्या फ़िल करना है। और ओवर एक्साइटेड मत होके फिल करो, आराम से फिल करो, देख के फिल करो। अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उनको बताओ, पहले तो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन केस हो गई तो उनको बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो आपको वो प्रेशर रहेगा बाद में, वापस पेपर जब भी लिखोगे तो भी आपको वो आपके मन में रहेगा। वो ये मत करो, सुपरवाइजर जो भी बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद एकदम आराम से फील करो। इसलिए मैंने बोला कि आपको जल्दी पहुंचना चाहिए सेंटर में। देन जो भी आप डिटेल्स फिल कर रहे हो केयरफुली फिल करो। उसके बाद है अवॉइड स्टडिंग बिफोर गोइंग टू पेपर। मतलब उसका मतलब क्या है कि आप एग्ज़ाम हॉल में भी बैठ के पढ़ रहे हो ऐसा मत करो, थोड़ा रिलैक्स करो। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के पहले 5-10 मिनट रिलैक्स करो, एक जगह पे बैठो, आप रिकलेक्ट करने का भी कोशिश मत करो, एकदम काम रहो, तो आप जो आपको भी आपने जो भी पढ़ा है वो आपको रिकलेक्ट हो जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया है तो। उसके बाद दूसरा एक बहुत सारे बच्चे करते हैं कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद वो पेपर डिस्कस करना बैठ जाते हैं, आंसर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना बैठ जाते, इसका आंसर क्या है, ये क्या है। अगर ऐसे लोगों के साथ आप जा रहे हो, आपका कोई आंसर गलत हो रहा है तो वापस आपको प्रेशर आएगा, आपको लगेगा कि मेरा आंसर रॉन्ग हो गया, मुझे कम मार्क्स मिलेंगे। तो अवॉइड कर दो, जो हो गया हो गया, अभी ये चेंज नहीं होने वाला है, तो आपके मार्क्स अभी तो बढ़ने नहीं वाले, आपने गलत लिख दिया तो उसको चेक करना या फिर उसको रेक्टिफाई करना छोड़ दो, उसको रेक्टिफाई करना या चेंज करना छोड़ दो, चेक करना छोड़ दो। ऐसे लोग अगर आपके साथ जा रहे हैं घर में एग्ज़ाम छूटने के बाद, तो उनके साथ जाना बंद कर दो, दूसरे किसी के साथ जाओ, या आपके पेरेंट्स को बुला लो, आप उनके साथ जा सकते हो। ऐसे लोगों के साथ जाओगे तो क्या होगा, वापस आपको प्रेशर क्रिएट होगा, वापस आप नेक्स्ट पेपर में फोकस नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि मुझे इस पेपर में कम मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे सोचना बंद कर दो, नेक्स्ट पेपर के बारे में फोकस करो। ये अभी हो गया पेपर, इसमें अगर गलती से अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपका गलत हो गया या मैच द फॉलोइंग गलत हो गया, आपको आंसर आता था लेकिन गलत लिख दिया, तो अभी वो मार्क्स तो आपको मिलने नहीं वाले हैं, लेकिन आप वापस वो नेक्स्ट पेपर में कैरी करोगे प्रेशर, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अवॉइड कर दो डिस्कस करना, और ऐसे लोग अगर आपके साथ है जो डिस्कस करते हैं तो उनके साथ जाना बंद कर दो, नेक्स्ट पेपर के ऊपर फोकस करो। आपका फोकस नेक्स्ट पेपर पे होना चाहिए, पेपर तो हो गया, नेक्स्ट पेपर में क्या करना है, नेक्स्ट पेपर की पढ़ाई कैसी करनी है वो आपको पता होना चाहिए, वो करो। और दूसरा जो भी है आपका चीज़ें, वो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में आपके साथ सब होना चाहिए। मैथ्स में कुछ अलग चीज़ें लगती है आपको, ज्योग्राफी में अलग लगती है, या फिर बायोलॉजी में आपको पेंसिल चाहिए या फिर रबर चाहिए, इरेजर चाहिए, ये सब चीज़ें आपको आपके साथ होना चाहिए। किसी से बोरो नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो भी अगर लिख रहे हैं तो आप उनका सामान आपको नहीं दे सकते, तो आपके पास खुद का सामान खुद होना चाहिए, तो सब खरीद लो। दूसरा बात है कि कॉपी करो मत, 3 ईयर्स का बैन लगता है अगर किसी ने पकड़ लिया आपको कॉपी करते हुए, तो ये ध्यान में रखो, कॉपी मत करो।
देन चेक योर आंसर शीट। ये पहले मुझे बताना चाहिए था कि अगर आपको आंसर शीट जब भी मिलता है तो आंसर शीट पूरा ओपन करके देखो। ये 15-20 पेज का आंसर शीट होता है पूरा, उसको ओपन करके देखो सब बराबर से प्रिंटेड है क्या, सब चेक कर लो। आपको जो भी स्टिकर मिलेगा प्रिंट करने के लिए उसके ऊपर आपका ही नंबर है क्या, वो चेक करो। सब आपको चेक करना चाहिए। अभी इसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम जब भी आप लिखते हो तो बहुत सारा डेटा आपको फिल करना पड़ता है, और बाद में अगर आप सप्लीमेंट भी लोगे तो उसके ऊपर भी आपको सब फिल करना पड़ता है, उसके ऊपर भी स्टिकर लगाना पड़ता है। ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक टिप है, आप क्या कर सकते हो कि अभी जब एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आप अगर वॉच यूज़ करते हो, घड़ी यूज़ करते हो, तो 10 मिनट्स आगे करके रखो उसको। तो 10 मिनट्स जो आपका टाइम वेस्ट होगा वो आप कंपेंसेट कर सकते हो। तो होप दिस टिप्स विल बी हेल्पफुल टू यू। ये जो एग्ज़ाम है मैंने स्टार्टिंग में बताया, कुछ स्ट्रेस मत लो, ये नॉर्मल आपके स्कूल एग्ज़ाम जैसे ही है, इसे स्कूल एग्ज़ाम जैसे ही ट्रीट करो। अब जो भी इंस्ट्रक्शन है वो सब फॉलो करो और आराम से पेपर लिखो, सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आई एम होपिंग दैट यू विल गेट गुड मार्क्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।